चारों युग प्रताप तुम्हारा है प्रसिद्ध जगत उजियारा। चारों युगों में हनुमान जी के ही प्रताप से जगत में उजियारा है और हनुमान को छोड़कर और किसी भी देवी देवताओं में चिंतन धरई की कोई भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आज भी हनुमान जी हमारे बीच इस धरती पर सर शरीर मौजूद है। हनुमान इस कलयुग में सबसे ज्यादा जागृत और साक्षात है। कलयुग में हनुमान की भक्ति ही लोगों को दुख और संकट से बचाने में सक्षम है। बहुत से लोग किसी बाबा, ज्योतिष और तांत्रिकों के चक्कर में भटकते रहते हैं, क्योंकि वो हनुमान की भक्ति शक्ति को नहीं पहचानते। ऐसे भटकते हुए लोगों को राम ही भला करे। दोस्तों, हम लोगों को मालूम है कि हनुमान जी कलयुग में भी जीवित हैं, लेकिन वो किन किन स्थानों पर निवास करते हैं वही आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे। और दोस्तों, यूट्यूब पर एक वीडियो भी आई थी जिसमें हनुमान जी को देखे जाने का दावा भी किया गया था। आप पहले इस वीडियो को देखिए। इस वीडियो को देखने के बाद अगर आप सच में हनुमान जी के भक्त हैं तो कमेंट में जय श्री राम एक बार जरूर लिख दें। तो दोस्तों, वीडियो को लेट नहीं करते हैं और चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ। यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तन तत्र कृते मस्तांजलि वाष्पवारी परिपूर्ण लोचनम मारुतिनम नमत राक्षसांतक। अर्थात कलयुग में जहाँ जहाँ भगवान श्री राम की कथा कीर्तन इत्यादि होते हैं वहाँ हनुमान जी गुप्त रूप से विराजमान रहते हैं। सीता जी के वचनों के अनुसार अजर अमर गुण निधि सुत हो करहु बहुत रघुनायक छो। यदि मनुष्य पूर्ण श्रद्धा और विश्वास से इनका आश्रय ग्रहण कर ले तो फिर तुलसीदास जी की भांति उसे हनुमान और राम दर्शन होने में देर नहीं लगती। 6वीं सदी के महान संत कवि तुलसीदास जी को हनुमान जी की कृपा से ही राम जी के दर्शन प्राप्त हुए। कथा है कि हनुमान जी ने तुलसीदास से कहा था कि राम और लक्ष्मण चित्रकूट नियमित आते रहते हैं, मैं वृक्ष पर तोता बनकर बैठा रहूंगा, जब राम और लक्ष्मण आएंगे मैं आपको संकेत दे दूंगा। हनुमान जी की आज्ञा के अनुसार तुलसीदास जी चित्रकूट के खाट पर बैठ गए और सभी आने जाने वालों को चंदन लगाने लगे। राम और लक्ष्मण जब आए तो हनुमान जी गाने लगे, चित्रकूट के घाट पे भय संतन के भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे तिलक देत रघुवीर। हनुमान की ये वचन सुनते ही तुलसीदास प्रभु राम और लक्ष्मण को निहारने लगे। इस प्रकार तुलसीदास जी को राम जी के दर्शन हुए। हनुमान जी कलयुग में गंधमादन पर्वत पर निवास करते हैं, ऐसा श्रीमद् भागवत में वर्णन आता है। उल्लेखनीय है कि अपने अज्ञातवास के समय हिमवंत पार करके पांडव गंधमादन पर्वत के पास पहुँचे थे। एक बार भीम सहस्त्र दल कमल लेने के लिए गंधमादन पर्वत के वन में पहुंच गए थे, जहां उन्होंने हनुमान को लेटा देखा था और फिर हनुमान ने भीम का घमंड चूर कर दिया था। गंधमादन में ऋषि, सिद्ध, चारण, विद्याधर, देवता, गंधर्व, अप्सराए और किन्नर निवास करते हैं। वे सब यहां निर्भीक विचरण करते हैं। हिमालय के कैलाश पर्वत के उत्तर में दक्षिण में केदार पर्वत है स्थित गंधमादन पर्वत भी है। ये पर्वत कुबेर के राज्य क्षेत्र में था। सुमेरु पर्वत के चारों दिशाओं में स्थित गजजंत पर्वतों में से एक को उस काल में गंधमादन पर्वत कहा जाता था। आज ये क्षेत्र तिब्बत के इलाकों में है। पुराणों के अनुसार जम्बूद्वीप के इलावृत खंड और भद्राक्ष खंड के बीच गंधमादन पर्वत कहा गया है, जो अपने सुगंधित वनों के लिए प्रसिद्ध था। सेतु एशिया नामक एक वेबसाइट ने दावा किया है कि श्रीलंका के जंगलों में एक आदिवासी समूह से हनुमान जी प्रत्येक 41 वर्ष बाद मिलने आते हैं। सेतु के शोधानुसार श्रीलंका के जंगलों में एक ऐसा कबीलाई समूह रहता है जो कि पूर्णतः बाहरी समाज से कटा हुआ है। इसका संबंध मातक समाज से है जो आज भी अपने मूल रूप में है। उनका रहन सहन और पहनावा भी अलग है, उनकी भाषा भी प्रचलित भाषा से अलग है। ये समूह पिद्रु थालागाला पर्वत की टलहटी में स्थित एक छोटे से गांव नुवारा में है। हालांकि इस वेबसाइट के दावे में सच्चाई नजर नहीं आती। दोस्तों, तिब्बत के पहाड़ों में गंधमादन पर्वत भी है और वहां संभाला भी है, जो कि तिब्बत के पहाड़ों में कहीं छिपी हुई है। और एक वीडियो में मैंने दावा किया था कि जितने भी सात चिरंजीवी हैं वो संभाला में ही रहते हैं, और ये बात बिल्कुल सच है, क्योंकि गंधमादन पर्वत में हनुमान जी महाभारत काल में देखे गए थे, जो कि उस समय द्वापर युग था। और ऐसा कहा गया है कि
कलयुग में भगवान तब तक नहीं आएंगे जब तक भगवान कल्कि का जन्म नहीं होगा। इसीलिए सभी देवी देवताएं जो जीवित हैं, वो संभाला में ही निवास करते हैं। तो बस दोस्तों, वीडियो में इतना ही था। अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक, कमेंट और अपने दोस्तों में शेयर कर दें। तो फिर मिलते हैं दोस्तों एक ऐसे ही वीडियो में। तो तब तक के लिए धन्यवाद।